मैप माई इंडिया ने ऑटो एक्सपो में अपनी प्रदर्शनी लगाई है और वो क्या शोकेस कर रहे हैं, वो अपनी ऐप शोकेस कर रहे हैं। इसे आप देसी मैप कह सकते हैं, मैपल्स के नाम से इसकी ऐप आपको मिल जाएगी। और इस ऐप में गूगल से क्या अलग है, तो गूगल से अलग ये है कि इंडिया की जो रोड्स हैं उनके हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। इसमें आपको क्या नया मिलेगा, चलिए आपको ये दिखाते हैं। तो इसमें नया ये है कि अगर आप किसी फ्लाईओवर पर जा रहे हैं और वहां पे कोई डाइवर्जन है तो उसका आपको उस डाइवर्जन का पूरा मैप आपकी ऐप में शो करेगा। इसके अलावा इसमें जो आपके स्पीड ब्रेकर्स हैं रोड पे वो भी शो किए जाएंगे, और इसके साथ ही जो रोड पे सेफ्टी कैमराज लगाए जाते हैं, स्पीड के लिए कैमराज लगाए जाते हैं, उनके बारे में भी आपको अलर्ट किया जाएगा। यानी कि वो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है जिन बातों पर गूगल ने शायद ध्यान नहीं दिया या फिर गूगल मैप्स में आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसके साथ ही क्योंकि ये देसी है तो इसमें इमेजेस भी काफ़ी क्लियर होंगे, यानी कि आप किसी भी जगह का, आप किसी भी जगह जाना चाहते हैं तो आप वहाँ की ट्रिप कॉस्ट भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका व्हीकल इलेक्ट्रिक है तो आप इलेक्ट्रिक डाल के और अपने व्हीकल की जो आपकी स्पीड है उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रिप एस्टिमेट सेट कर सकते हैं। आपको ये भी बताया जाएगा कितने टोल पड़ेंगे उस रास्ते में, उस हिसाब से आपका ट्रिप का एस्टिमेट आप बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये सब फीचर्स इसलिए दिए गए हैं ताकि आप और हम यानी कि भारत में रहने वाले लोगों की समस्याओं को समझते हुए। इसके साथ ही एक और एड ऑन एडवांटेज ये है कि इसमें जो 3D मैपिंग के तरीके से, यानी कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप जाने से पहले, मान लीजिए आप आगरा ही जा रहे हैं तो आप आगरा जाने से पहले वहाँ का ओवरव्यू चेक करना चाहते हैं तो आपको एक तरीके से ड्रोन शॉट के तौर पर वो दिखाया जा सकता है और आप उसे एक 3D के तरीके से घर बैठे देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस ऐप में आप अगर कोई भी एड्रेस सर्च करते हैं, मान लीजिए बहुत बड़ा एड्रेस है, आपको ये याद नहीं रहने वाला है, तो आप इसका पिन जनरेट कर सकते हैं। ये 6 डिजिट का पिन आपको मिल जाएगा और इसे आप शेयर करेंगे तो सामने वाले के पास वो पूरा एड्रेस चला जाएगा। आपको पूरा एड्रेस को वहाँ पर शेयर करने की ज़रूरत नहीं और इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये एक न्यू फीचर है, मैप माई इंडिया ने एक देसी गूगल बनाया है, और इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रोहन वर्मा। तो चलिए उनसे जानते हैं कि इस ऐप में ऐसा क्या अलग है जो कि हमें गूगल की ऐप में नहीं मिलने वाला है। तो स्वागत है आपका जागरण पे, और बताइए इसमें ऐसा क्या अलग है। देखिए, मैप माई इंडिया ने जो मैपल्स ऐप बनाया है इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स है जो इंडिया के लिए ज़रूरत है। जैसे जब फ्लाईओवर पे आप आते हो या आने वाले होते हो तो ये 3D में आपको दिखाता है एक जंक्शन व्यू के द्वारा आपको फ्लाईओवर चढ़ना है कि नहीं चढ़ना है, जैसे सामने दिख रहा है, या सेफ्टी अलर्ट्स बताता है कि स्पीड ब्रेकर आगे आने वाला है, पॉट होल आने वाला है, और करंट रोड का स्पीड भी बताता है और आपको बताता है कि इस रोड पे 30 किलोमीटर का स्पीड लिमिट है, आप 40 पे चला रहे हो या 80 का स्पीड लिमिट, आप 100 पे चला रहे हो। तो ये जो लास्ट एक साल में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, इन सब में अगर मैपल्स ऐप यूज़ किया जाता तो पॉट होल हो या डिवाइडर हो या ओवर स्पीडिंग, ये सब इश्यूज नहीं आते। तो मैपल्स ऐप में ये सारे फीचर्स और कई और चीज़ें हैं जो कि गूगल में नहीं है। इसको यूज़ करेंगे तो स्वदेशी भी है, सेफ भी है, स्मार्ट भी है। ओके, एंड चलिए बजट पे आते हैं, तो बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं अब जब बजट आने वाला है 1 तारीख को उससे? देखिए, बजट में प्राइमरली तो इंडिया अगर अपने इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाह रहा है तो जैसे उन्होंने PLI स्कीम निकाला है, मेक इन इंडिया की बात की है, आजकल का ज़माना सॉफ्टवेयर का है, तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स अगर इंडिया के इंडस्ट्री बनाए तो हमें ग्लोबल फॉरेन कंपनीज पर नहीं रिलाई करना पड़ेगा। तो हम होप कर रहे हैं कि बजट में थोड़ा सा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स का भी एक PLI टाइप निकले या सब्सिडी निकले या उसको इंकरेजमेंट ही मिले, जिससे लोग, कंज्यूमर्स हो चाहे एंटरप्राइजेस हो, ऑटोमोटिव हो, वो देसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। और जैसे कि आपने सुना, ये चाहते हैं कि इस बार के बजट में सरकार थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दे, थोड़ा सॉफ्टवेयर पर भी ध्यान दिया जाए, और इसके साथ ही जैसे कि बताया गया कि मैपल्स जो ऐप है उससे आप अपने मोटे चालान से भी ज़रूर बच सकते हैं, क्योंकि वो आपकी स्पीड जिस पे आप ड्राइव कर रहे हैं और इसके अलावा वो स्पीड जो स्पीड कैमरा में रिकॉर्ड है, अगर आप उससे एक्सीड करते हैं तो वो आपको एक अलार्म देता है जिससे कि आपका चालान कटने से ज़रूर बच सकता है।